किताब का नाम 21वीं सदी का व्यवसाय। अध्याय 4। अध्याय का नाम आपके बुनियादी आर्थिक जीवन मूल्य। 4 क्वाड्रेंट्स महज 4 अलग अलग व्यवसायिक तंत्र ही नहीं है, ये तो 4 अलग अलग मानसिकताओं के सूचक हैं। आप अपनी बुनियादी आमदनी किस क्वाड्रेंट से कमाने का चुनाव करते हैं, इसका बाहरी परिस्थितियों यानी कि आपकी शिक्षा, आपकी प्रशिक्षण, आपका अर्थव्यवस्था या आपके आसपास के उपलब्ध अवसरों से बहुत कम संबंध है। इसका ज़्यादा संबंध तो इस बात से है कि आप बुनियादी तौर पर कौन हैं, आपकी शक्तियाँ क्या हैं, आपकी कमजोरियाँ क्या हैं और मूलभूत रुचियाँ क्या हैं। इसका संबंध तो आपके बुनियादी आर्थिक जीवन मूल्यों से भी है। यही बुनियादी भिन्नताएँ हमें अलग अलग क्वाड्रेंट्स के प्रति आकर्षित या विकर्षित करती हैं। इसे समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका मतलब है कि ई या एस क्वाड्रेंट को छोड़कर बी क्वाड्रेंट में पहुंचना उतना ही सरल नहीं है जितना कि पोस्ट ऑफिस जाकर अपना एड्रेस बदलने का फॉर्म भरना। आप न सिर्फ वह बदलते हैं जो आप करते हैं, बल्कि बहुत ही सच्चे मायने में आप खुद को भी बदलते हैं, यानी कि कम से कम आप अपने सोचने के तरीके को बदल ही लेते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को एम्प्लॉय बने रहना अच्छा लगता हो, लेकिन बाकी लोग इससे नफरत करते हैं। कुछ लोग कंपनियों के मालिक तो बनना चाहते हैं लेकिन उन्हें चलाना नहीं चाहते। कुछ लोगों को निवेश से प्रेम होता है जबकि दूसरों को इसमें पैसे गंवाने का जोखिम ही जोखिम नज़र आता है। हम में से अधिकांश लोगों में यह सभी प्रवृत्तियाँ कम या अधिक मात्रा में मौजूद रहती हैं। इस बात पर गौर करना भी महत्वपूर्ण है कि आप इन चारों क्वाड्रेंट्स में ही अमीर या गरीब बन सकते हैं। हर क्वाड्रेंट्स में लोगों ने करोड़ों कमाए हैं और ऐसे भी लोग हैं जो हर क्वाड्रेंट में दिवालिया हुए हैं। इस बात पर गांठ बांध लें कि किसी क्वाड्रेंट में रहने भर से ही आपकी आर्थिक सफलता सुनिश्चित नहीं हो सकती। लोगों की बातचीत सुनकर ही आप समझ सकते हैं कि वह किस क्वाड्रेंट में रहते हैं। जब मैं 9 साल का था तो अपने अमीर डैडी के साथ बैठने लगा था जब वे कर्मचारियों की नियुक्ति करते समय उनका इंटरव्यू लेते थे। इन इंटरव्यू से मैंने यह सीखा कि शब्दों के माध्यम से लोगों के बुनियादी जीवन मूल्यों को कैसे समझा जाए। मेरे अमीर डैडी कहते थे कि वह जीवन मूल्य उनकी आत्माओं से निकलते हैं। यहाँ हर क्वाड्रेंट से निकलने वाले कुछ प्रमुख वाक्य बताए जा रहे हैं जिनमें से प्रत्येक के बुनियादी जीवन मूल्यों का एक रेखाचित्र भी है। अब हम ई क्वाड्रेंट्स के जीवन मूल्यों को समझेंगे। आमतौर पर ई क्वाड्रेंट में रहने वाले व्यक्ति का बुनियादी जीवन मूल्य होता है सुरक्षा। आप इन्हें यह कहते हुए ज़्यादातर सुनेंगे, मैं एक सुरक्षित नौकरी की तलाश कर रहा हूँ जिसमें अच्छी तनख्वाह मिले और उसके अलावा उत्कृष्ट लाभ भी मिलते हों। हो सकता है कि आप किसी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हो और आपको मोटी तनख्वाह भी मिलती हो, लेकिन इसके बावजूद आपके बुनियादी जीवन मूल्य कंपनी के गेट कीपर जैसे हो सकते हो जिसे आपसे 10 गुना कम तनख्वाह मिलती है। ई क्वाड्रेंट वाला व्यक्ति, चाहे वह गेट कीपर हो या प्रेसिडेंट, अक्सर ऐसे शब्द सोचता या कहता हुआ मिलता है, मैं फ़ायदे वाली किसी सुरक्षित नौकरी की तलाश कर रहा हूँ, या फिर ओवरटाइम के लिए हमें कितना मिलेगा, या फिर हमें कितनी बिना सैलरी कटे छुट्टियां मिलेंगी। जब मैं ई क्वाड्रेंट वाले किसी व्यक्ति से बातें करते वक्त कहता हूँ कि मुझे एक ऐसा व्यवसाय शुरू करना है जिसमें मुझे बहुत अच्छा लाभ हो, तो वह अक्सर ऐसी टिप्पणी करता है, वह तो ठीक है लेकिन क्या इनमें जोखिम नहीं है। अक्सर ऐसा होता है, हम सभी जीवन को अपने बुनियादी जीवन मूल्यों के चश्मे से देखते हैं। मुझे जो चीज़ रोमांचक लगती है, हो सकता है वह किसी और को डरावनी लगे। इसीलिए ई और एस क्वाड्रेंट के लोगों के साथ रहते वक्त मैं आम तौर पर मौसम, खेल या टेलीविज़न कार्यक्रमों के बारे में ही बातचीत करता हूँ। अब हम समझेंगे एस क्वाड्रेंट्स के जीवन मूल्य। एस क्वाड्रेंट्स के लोगों का बुनियादी जीवन मूल्य होता है स्वतंत्रता। आप इनके मुंह से हर वक्त यह सोच पाएंगे निकलते हुए, अगर आप कोई काम सही चाहते हैं तो उसे खुद करें। वे अपना मनपसंद काम करने की स्वतंत्रता चाहते हैं। जब कोई व्यक्ति कहता है मैं नौकरी छोड़कर अपना खुद का काम धंधा शुरू करने जा रहा हूं,
तो समझ लीजिए वह ई क्वाड्रेंट से एस क्वाड्रेंट की ओर कदम बढ़ा रहा है। एस क्वाड्रेंट में छोटे व्यापारी, किराना दुकानों के मालिक, विशेषज्ञ और परामर्शदाता आते हैं। मिसाल के तौर पर मेरा एक मित्र अमीरों के घरों में बड़े स्क्रीन वाला टेलीविज़न, फ़ोन सिस्टम और सिक्योरिटी सिस्टम लगाता है। अपनी मदद के लिए उसने 3 कर्मचारी रख लिए हैं और वह सिर्फ इन 3 लोगों का बॉस बनकर ही खुश है। वह पक्का और मेहनती एस क्वाड्रेंट वाला व्यक्ति है। रियल एस्टेट एजेंट्स, बीमा ब्रोकर्स आदि कमीशन पर काम करने वाले सेल्स पीपल भी एस क्वाड्रेंट में ही आते हैं। एस क्वाड्रेंट में पेशेवर लोग भी भरे पड़े हैं, जैसे डॉक्टर, वकील और अकाउंटेंट्स, जो किसी बड़ी चिकित्सा, कानूनी या अकाउंटिंग कंपनी से काम ना करते हों। एस क्वाड्रेंट में रहने वाले लोग अक्सर अपने दिमाग या हाथों के काम पर बहुत गर्व करते हैं। यदि उनका कोई सूत्र वाक्य हो तो वह यह होगा, कोई भी इसे मुझसे बेहतर तरीके से नहीं कर सकता। या फिर शायद सूत्र वाक्य यह भी हो सकता है, मेरा तरीका ही सबसे सही तरीका है। बहरहाल, स्वतंत्रता के मुखौटे के पीछे आपको प्रायः यह दिखेगा कि व्यवसाय के प्रति उस व्यक्ति की नीति में विश्वास का अभाव है। उसकी यही नीति जीवन के प्रति भी होती है, क्योंकि हम जिस प्रकार अपने व्यवसाय को देखते हैं उसी से पता चलता है कि हम हर चीज़ को किस प्रकार देखते हैं। एस क्वाड्रेंट के व्यक्ति को प्रायः कमीशन मिलता है या फिर किसी काम में लगे समय के आधार पर भुगतान मिलता है। मिसाल के तौर पर इस क्वाड्रेंट का व्यक्ति इस प्रकार के शब्द कह सकता है, मेरा कमीशन कुल खरीद के भाव का 6% है, मेरी फीस $100 प्रति घंटा है, या फिर लागत के अलावा मैं 10% फीस लेता हूँ। जब भी मैं ई या एस क्वाड्रेंट के किसी व्यक्ति से मिलता हूँ जिसे बी क्वाड्रेंट में रूपांतरण करने में मुश्किल आ रही होती है, तो मुझे आम तौर पर ऐसा व्यक्ति दिखता है जिसकी तकनीकी या प्रबंधन योग्यताएं तो बेहतरीन है, लेकिन उसमें नेतृत्व की योग्यता का बहुत अभाव है। मेरे अमीर डैडी कहा करते थे, यदि आप किसी टीम के लीडर हैं और साथ ही टीम के सबसे स्मार्ट व्यक्ति भी हैं, तो आपकी टीम बहुत संकट में है। एस क्वाड्रेंट वाले लोग प्रायः टीमों के साथ ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर पाते, उनमें थोड़े अहम की समझ भी हो सकती है। एस से बी क्वाड्रेंट में छलांग लगाने के लिए आपको तकनीकी नहीं बल्कि नेतृत्व योग्यताओं में ऊंची छलांग लगाने की ज़रूरत होती है। जैसे मैं पहले कई बार कह चुका हूँ, असली दुनिया में ए ग्रेड वाले विद्यार्थी प्रायः सी ग्रेड वाले विद्यार्थियों के लिए काम करते हैं और बी ग्रेड पाने वाले विद्यार्थी सरकार के लिए काम करते हैं। यदि आपने कभी खुद को यह कहते हुए सुना हो, अगर आप कोई काम सही चाहते हैं तो उसे खुद करें, या आप खुद ऐसा सोचते हैं, तो शायद यह अच्छा समय है कि आप अपने इस जीवन दर्शन का गौर से अवलोकन करें। अब हम समझेंगे बी क्वाड्रेंट्स के जीवन मूल्यों को। बी क्वाड्रेंट्स के लोगों का बुनियादी जीवन मूल्य होता है दौलत बनाना। आप अक्सर इन्हें यह कहते हुए सुनेंगे, अपनी टीम में शामिल करने के लिए मैं सर्वश्रेष्ठ लोगों की तलाश कर रहा हूँ। जो लोग शून्य से शुरुआत करके बेहतरीन बी क्वाड्रेंट्स व्यवसाय बनाते हैं, वे अक्सर प्रबल उद्देश्य वाले होते हैं। वे बेहतरीन टीम तथा उत्कृष्ट टीम वर्क को महत्व देते हैं। वह अधिकाधिक लोगों की सेवा करना चाहते हैं या उनके साथ काम करना चाहते हैं। एस क्वाड्रेंट वाला व्यक्ति अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता है, जबकि बी क्वाड्रेंट वाला व्यक्ति ऐसे लोगों की टीम खड़ी करना चाहता है जो अपने अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हो। हेनरी फोर्ड, फोर्ड कंपनी के मालिक, खुद को हर वक्त अपने से ज़्यादा स्मार्ट लोगों के साथ घेरे रहते थे। आमतौर पर एस क्वाड्रेंट वाला व्यवसायी कमरे में मौजूद सबसे स्मार्ट या योग्य व्यक्ति होगा या होता होगा, लेकिन यह बी क्वाड्रेंट वाले व्यवसायी के मामले में सच नहीं होता। जब आप बी क्वाड्रेंट के किसी व्यवसाय के मालिक होते हैं, तो आपको अक्सर अपने से ज़्यादा चतुर, अनुभवी और सक्षम लोगों से व्यवहार करना पड़ता है। मेरे अमीर डैडी के पास कोई औपचारिक शिक्षा नहीं थी, लेकिन मैं उन्हें बैंकर्स, वकीलों, अकाउंटेंट्स, निवेश सलाहकारों और विशेषज्ञों के साथ सफलतापूर्वक बातचीत करते देखता था, जिनमें से कई के पास ऊंची ऊंची डिग्रियां होती थी। अपने विभिन्न व्यवसायों के लिए पूंजी जुटाते वक्त
उन्हें अक्सर ऐसे लोगों से संपर्क करना पड़ता था जो उनसे कहीं ज़्यादा अमीर होते थे। यदि वे इस सूत्र वाक्य के अनुसार जीते, अगर आप कोई काम सही चाहते हैं तो उसे खुद करें, तो अंततः वे पूरी तरह असफल हो जाते। जब आमदनी की बात आती है तो सच्चा बी क्वाड्रेंट वाला व्यक्ति समझदार साबित होता है। वह अपना व्यवसाय छोड़कर कहीं चला भी जाए तो भी उसकी आमदनी आती रहेगी। दूसरी ओर यदि एस क्वाड्रेंट का कोई व्यक्ति काम करना छोड़ दे तो अधिकांश मामलों में उसकी आमदनी भी रुक जाएगी। इसीलिए इसी वक्त आपको खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, अगर मैं आज काम करना छोड़ दूं तो उसके बाद भी क्या मुझे आमदनी आती रहेगी? यदि आपकी आमदनी 6 महीने या उससे कम वक्त में ख़त्म हो जाती है तो इस बात की संभावना है कि आप ई या एस क्वाड्रेंट में रह रहे हैं। बी या आई क्वाड्रेंट वाला व्यक्ति बरसों तक काम ना करे तो भी उसे पैसा मिलता रहेगा। अब हम समझेंगे आई क्वाड्रेंट्स के जीवन मूल्य। अक्सर आपने सुना होगा कुछ लोगों के मुंह से यह निकलते हुए, निवेश पर मुझे कितना लाभ हो रहा है यह बताइए। आई क्वाड्रेंट्स के लोग जिस चीज को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं वह है आर्थिक स्वतंत्रता। निवेशक को यह विचार पसंद होता है कि उसके बजाय उसका पैसा मेहनत करे। निवेशक कई चीज़ों में निवेश करते हैं, वह सोने के सिक्कों, जमीन जायदाद, कंपनियों के स्टॉक्स, बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड्स जैसी कागजी संपत्तियों में निवेश कर सकते हैं। यदि आपकी आमदनी व्यक्तिगत निवेश ज्ञान के बजाय कंपनी या सरकार की पेंशन योजना से आती है तो यह ई क्वाड्रेंट की आमदनी है। दूसरे शब्दों में आपकी बरसों की सेवा के बदले आपका बॉस या कंपनी आपको अब भी भुगतान कर रही है। आई क्वाड्रेंट का निवेशक इस प्रकार की बातें कह सकता है, मुझे अपनी संपत्तियों पर 20% लाभ हो रहा है, या फिर वो यह भी कह सकता है कंपनी के आर्थिक ब्यौरा दें, या फिर वो यह भी कह सकता है जायदाद पर कितना मेंटेनेंस बाकी है। अलग अलग क्वाड्रेंट्स यानी कि अलग अलग निवेशक। आज के संसार में हम सभी को निवेशक बनना चाहिए। बहरहाल हमारी शिक्षा नीति हमें निवेश के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं सिखाती। ओह, मैं जानता हूँ कुछ स्कूलों में शेयर चुनना सिखाया जाता है, लेकिन यह निवेश नहीं है, यह तो जुआ है। बरसों पहले अमीर डैडी ने मुझे बताया था कि ज़्यादातर कर्मचारी म्यूचुअल फंड्स या बचत में निवेश करते हैं। उन्होंने यह भी कहा था, यदि आप ई, एस या बी में से किसी एक क्वाड्रेंट में सफल हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप आई क्वाड्रेंट में भी सफल होंगे। डॉक्टर प्रायः सबसे बुरे निवेशक होते हैं। अमीर डैडी ने मुझे यह बताया कि अलग अलग क्वाड्रेंट वाले लोग अलग अलग तरीकों से निवेश करते हैं। मिसाल के तौर पर एस क्वाड्रेंट वाला व्यक्ति यह कहता है, मैं रियल एस्टेट में निवेश नहीं करना चाहता क्योंकि मैं टॉयलेट ठीक करने का इच्छुक नहीं हूँ। निवेशक की यह चुनौती सामने आने पर बी क्वाड्रेंट वाला व्यक्ति यह कहता है, रात को टॉयलेट्स की मरम्मत कराने के लिए मैं किसी अच्छी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी की सेवाएं ले सकता हूँ। दूसरे शब्दों में एस क्वाड्रेंट वाला निवेशक यह सोचेगा कि उसे जायदाद की देखभाल खुद करनी है, जबकि बी क्वाड्रेंट का निवेशक यही देख रेख करवाने के लिए किसी दूसरी कंपनी की सेवाएं लेगा। अलग अलग लोग, अलग अलग मानसिकताएं, अलग अलग क्वाड्रेंट्स, अलग अलग जीवन मूल्य। अब तक आपने शायद अंदाजा लगा लिया होगा कि मैं किस ओर जा रहा हूं। यह दरअसल एक बहुत आसान चीज से तय होता है। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने रहने का स्थान बदलना होगा। इसके लिए आपको किसी नई नौकरी की जरूरत नहीं है, आपको तो एक नए पते की जरूरत है। यदि आप अपने जीवन और तकदीर पर नियंत्रण पाना चाहते हैं, यदि आप वास्तविक स्वतंत्रता यानी अपनी दिनचर्या निर्धारित करने, अपने परिवार के साथ और अकेले समय बिताने, अपने मनपसंद काम करने की स्वतंत्रता चाहते हैं, अगर आप वैसा जीवन, जोश भरा, रोमांचक पूर्ण और संतुष्टि भरा जीवन जीना चाहते हैं जिसके लिए आपको इस पृथ्वी पर भेजा गया है, यानी संक्षेप में अगर आप अमीर बनना और अमीरों जैसा जीवन जीना चाहते हैं, तो अब समय आ गया है कि आप अपना बोरिया बिस्तर बांधकर किसी दूसरी जगह पर चले जाएं। अब समय आ गया है कि आप चार्ट के बाएं हिस्से से निकलकर बी और आई क्वाड्रेंट्स की ओर पहुंच जाएं। धन्यवाद।